भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने रविवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा की शानदार जीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के लिए जनता के विश्वास का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में प्रदेश के 75 में से 67 सीटों पर भाजपा ने ऐतिहासिक विजय हासिल की है। क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भी भाजपा ने पूरे प्रदेश में अपना परचम लहराया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में चौतरफा कमल खिला है और बहुत सारे सामान्य कार्यकर्ता भी जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख बने हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं और संगठन के कुशल नेतृत्व तथा सरकार की नीतियों की बड़ी जीत है। क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में संगठन ने आमजन तक शासन की कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने गोरखपुर क्षेत्र में कुल 147 ब्लॉक प्रमुख के सीटों पर 146 सीटों पर अपने प्रत्याशी तथा एक सीट पर सहयोगी दल को उतारा था, जिसमें 107 सीटों पर भाजपा तथा एक सीट पर सहयोगी दल ने जीत दर्ज की है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, ये जनप्रतिनिधि हैं, सीधे जनता से जुड़े रहते हैं, तो हमारी सरकार की योजनाओं को हम अभी कल जिला पंचायत अध्यक्षों के जब शपथ हो जाए मंडल कार्यक्रम रखें और आगे हम लगातार मोबिलाइजेशन के लिए सभी जिला पंचायत के सदस्य हों या ब्लॉक प्रमुख हों और हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार की जो योजनाएं नीचे तक जाती हैं उनके लिए सीधे जैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, वैसे इनका भी रोल उसी माध्यम से हम कराएंगे और विधानसभा के चुनाव में एक प्रमुख रोल जनता से जुड़े होने के नाते इनका भी होगा। जनता पार्टी देश के लिए काम करते हैं और जिस प्रकार से कोरोना की वैश्विक महामारी देश में आई है, केवल देश में नहीं पूरी दुनिया के बहुत बड़े बड़े आर्थिक और ताकतवर देश इस कोरोना की महामारी से छूट गए, लेकिन भारत कोरोना की इस वैश्विक महामारी से ठीक ढंग से लड़ाई लड़ रहा है। तो जिस प्रकार से देश के अंदर आप कल्पना करिए कि जब क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव संपन्न हुए और उस चुनाव की दृष्टि से कल उत्तर प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक विजय प्राप्त हुई है, भारतीय जनता पार्टी का कमल चारों तरफ खिला है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस वार्ता करके पूरे प्रदेश में इस बात को बताया था और आज हमारे उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में क्षेत्रीय अध्यक्षों के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई है, उसी के संदर्भ में मैं आप सबसे अपनी बात रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी ने पंचायत के चुनाव में जिस प्रकार से विजय हासिल की है, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जिला पंचायत के चुनाव में 75 सीटों में से रिकॉर्ड 67 सीटें जीत करके एक रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है, वहीं ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है। लगभग 648 से अधिक सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त की है। हमारे गोरखपुर क्षेत्र में 10 जिले हैं, गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ 3 कमिश्नरी, इन 10 जिलों के 147 ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 136 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे और 136 में से 107 सीटें रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने गोरखपुर क्षेत्र में जीती हैं। और ये बात मुझे कहते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर अगर 15 जिले ऐसे हैं जहां समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, जो विपक्ष इस प्रकार से हवा खड़ा करता है, उसमें से गोरखपुर जिला भी है जहां समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला है और आजमगढ़ जिला जहाँ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद हैं, आजमगढ़ जिले में भी हम सब ने उनके किले को ध्वस्त करके कमल के फूल को खिलाने का काम किया है। यह जीत निश्चित रूप से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की नीतियों की जीत है। हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं ने जो संगठनों के साथ जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के समन्वय के साथ काम किया उसकी जीत है
उत्तर प्रदेश के एक एक जनता की जीत है और निश्चित रूप से यह जीत ये बात साबित करती है कि आगामी 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटों से जीती है 325 सीटों से उससे भी बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में 2022 में भारतीय जनता पार्टी की होगी।